लकम टू सीजलिंग टी तो आज मुझे बात करनी है इब्राहिम फैमिली के जो है ना हेल्थ इश्यूज इतने चल रहे हैं उसकी पूरी फैमिली में और हाउ दे आर सो इग्नोरेंट अबाउट इट तो जैसे मैं कल एलविश के बारे में बात कर रही थी कि ज़्यादा पैसा आता है ना जब अचानक से तो इंसान के जो नॉर्मल हालात हैं वो बदल जाते हैं ऑब्वियसली और क्या होता है कि उसको समझ नहीं आता करें क्या अब जैसे इन लोगों का है इब्राहिम फैमिली का अब मेरे पर बहुत सारे पिक्चर्स लगाने का तो मैं लगा दूंगी लेकिन शायद ज्यादा लगाने का कोई पॉइंट है नहीं आप सबको जो जो उनको देख रहे हैं उनको पता ही होगा मैं भी उनको चार साल से ऑलमोस्ट चार साढ़े तीन चार साल से फॉलो कर रही हूँ रेगुलरली तो देखिए अब ये सिंपल सी बात है जब इन्होंने ब्लॉगिंग शुरू की थी चार साल पहले जो सभा का पुराना ब्लॉग होगा ना आप अगर जाके देखोगे ओल्डेस्ट व्लॉग चार साल पुराना ही है उसमें मैं आज ही देखे थे कुछ उसमें एक फोटो लगाती हूँ यहाँ पे आप पापा मम्मी और रिजा रिहान और दीपिका सबा और ये शोएब ये सब हैं और सारे हेल्दी हैं खुश हैं एक जैस एक साथ मिल के बैठे हैं बर्थडे वर्डे मना रहे हैं अच्छा सेलिब्रेशन चल रहा था सब लोग फिट दिख रहे थे तो चार साल के अंदर ऐसा क्या हो गया कि भाई सबकी हालत खराब हो चुकी है अब देखिए उसी ब्लॉग में जिसने इसमें समोसे बनाए थे इसने समोसे बड़े अच्छे बनाए हैं बड़े फटाफट इसने बेली है समोसे के लिए मतलब जो बेस होता होता है 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 समोसे का कवर होता है। वो बेला आलू की फिलिंग भरी है, तले हैं अब इससे दो पकौड़े बनाने नहीं आते राइट अभी तो हम देख रहे हैं कि पकौड़े सारे चिपका देती है पतला पतला वो गुलगुले का घोल तेल में डाल देती है वो सब हरकतें कर रही है लेकिन समोसे इसने परफेक्ट तले थे फिर खिला रही थी सबको अच्छा वो सब छोड़िए लेकिन अब उसी व्लॉग में इसने बोला था पापा आप थोड़ा सा ले लो क्योंकि आप डायबिटिक हो इसके पापा को डायबिटीज पहले से था मतलब चार साल पहले तो था ही फिर अंकल को एक एकाद स्ट्रोक वगैरह आ चुके हैं तो अंकल अभी शोएब के घर रहते हैं अपने फिजियोथेरापिस्ट के साथ और धर्म दादा वगैरह उनका ध्यान रखते हैं ठीक है तो ये पापा की हेल्थ है जो काफी खराब हो चुकी है चलने फिरने में भी उन्हें दिक्कत आती है अभी हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की बात बाद में करेंगे फिजिकल हेल्थ ये पापा की हेल्थ है ठीक है उन्होंने डायबिटिक थे वो लेकिन तभी भी इनका बाहर खाना पीना घूमना चल रहा था और स्ट्रोक आया उसमें उसमें तो उनकी उनके हाथ में कुछ चीजें नहीं थी देखो दो टाइप की बीमारियां होती है एक होती है लाइफ रिलेटेड एक होती है जेनेटिक और लाइक होता है कि दैट दैट थिंग इज नॉट आवर कंट्रोल वो हो गई लेकिन लाइफ रिलेटेड डिजीज होती है ना वो काफी हद तक, तक तुम्हारे कंट्रोल में होती है और उसको कंट्रोल करा भी जा सकता है मतलब बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन ना आ जाए ऐसा करा जा सकता है अगर शुरुआत भी हो गई है तो फिर इसकी मम्मी का अम्मी है जो उनको भी डायबिटीज है वो एक बार शोएब ने बताया था कि इनको डायबिटीज है तो मैं इनका बहुत ध्यान रख रहा हूँ खाने पीने का ध्यान रख रहा हूँ क्योंकि जैसे ही इनके पास पैसा आना शुरू हुआ ना इन्होंने अनाप शनाप खाने शुरू कर दिए थे जब मर्जी पार्टियां हो रही है हर छोटे छोटे ओकेजन पे केक आ रहे हैं बाहर से बर्गर्स आ रहे हैं पिज्जाज आ रहे हैं आइसक्रीम आ रही है और टाइम पे खाना खाया जा रहा है बाहर रेस्टोरेंट्स में जा जाके खाया जा रहा है तो इनके घर जैसे होता है ना पहले तो लिमिटेड ही पैसा था तो बिल्कुल घर का सिंपल खाना बनता होगा अब पैसा आ गया तो इन्होंने सोचा पैसा का मतलब तो खा लो क्योंकि और इनके लाइफ में कुछ है नहीं ना करने को जैसे जिसके पास ज्यादा पैसा आता है वो क्या करेगा पार्टीज करेगा महंगी कारे खरीदेगा घर खरीदेगा कपड़ों पे खर्च करेगा गैजेट्स खरीदेगा फोन जैसे मान लीजिए और टीवी और कुछ भी मान लीजिए किसी भी टाइप के गैजेट घर का रिनोवेशन करा देगा पूरा दो कमरों से जाके छह कमरों के मकान में रहेगा मल्टीपल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करेगा यही सब करते हैं अब इन्होंने कुछ नहीं करना तो 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 पहला इनका था खा लो बस, खा लो लो तो बस खाओ खाओ और सूट, खाओ और सूट तो खा, सूट सूट तो चलो ठीक है कंज्यूमरिज्म होता है इसका भी मतलब कि तुम इतना वेस्ट कर रहे हो बट खाना तो मतलब तुम अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो अपनी हेल्थ तो मत खराब करो ज्यादा पैसे आने से अपनी हेल्थ सुधारनी चाहिए इंसान को ज्यादा पैसे आने से तो फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं पापा की हेल्थ खराब थी अम्मी को डायबिटीज हुआ उसके बाद जब से सबा की शादी हुई है सबा ने इनके घर में इतना ज्यादा इंटरफेरेंस कर दिया कि भाई भाभी तो पीछे ही हट गए जैसे मैंने पहले भी एक ब्लॉग में बोला था कि हमारे यहाँ कहावत है कि जब शादी शुदा नंद मायके में ज्यादा पड़ी रहती है ना तो भाई बेटा बहू को दूर कर देती है वो और ये हुआ इनके साथ सारे टाइम इनकी घर में घुसी रहेगी अम्मी ये क्या कर रहे हो वो क्या कर रहे हो फिर आपको घुमा लाऊं आपको ये कर लाऊं वो वो कर लाऊं तो इनको डायबिटीज है और इसका कोई मतलब मुझे दिखता नहीं कि इन, इनके खाने पीने में कोई भी डायबिटिक रिलेटेड रिलेटेड ध्यान दिया जा रहा है वो कुछ भी खाती हैं और सब कुछ खाती हैं फिर अब आप देखिए बेटी खाला बेटी खाला भी फैमिली मेंबर है अभी इनकी उनको घुटनों में दर्द है तो उसके लिए वो कुछ कर रहे हैं मुझे नहीं लगता वो चेयर पे बैठी रहती है सारे दिन घर का काम करती रहती है अरे घुटनों का दर्द है अभी उनकी एज इतनी भी ज्यादा नहीं है इफ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ हर देन शी विल शी कुड बी इन अ सिचुएशन वेयर शी इज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली तब कौन संभालेगा उन्हें जैसे आपने उनके परिवार का ठेका ले रखा है तो ठीक से लीजिए ना फिर सिर्फ उन्हें काम की तरह काम वालों की तरह यूज कर रहे हो अपना काम निकलवाने के लिए यूज कर रहे हो वो गलत है उनका ट्रीटमेंट करवाइए अगर कुछ कार्टिलेज वगैरह कम हो रहा है तो टैबलेट्स वगैरह भी आती है और और भी ट्रीटमेंट होते हैं वो करवाइए ज्यादा हो गया है तो सर्जरी से भी ठीक होते हैं नी रिप्लेसमेंट वगैरह सर्जरीज होती हैं वो ठीक हो जाते हैं उसे घुटने तो वो सब कराओ फिर आती है बात रजा की रजा का तो आप सबने देखा ही है पहले वो अच्छी चुलबुली बच्ची थी थोड़ी मोटी थी थोड़ी हेल्दी थी शुरू से लेकिन अब जो हाल हुआ है उसका पिछले तीन चार साल में इतना ज्यादा वेट गेन जरूरत से ज्यादा वेट गेन किसी को भी परवाह नहीं है उसकी सबने आंखों पे पट्टी बांध रखी है किसी को कोई लेना देना नहीं है बस मेरा ब्लॉग बना दो मेरे साथ घूमने फिरने चले जाओ मेरे चाय बना दो मेरे लिए चप्पल जूते उठा दो मेरी फोटो खींच दो और घर के काम करवाते हो वो क्या उसकी हेल्थ की बात करें पढ़ाई लिखाई की तो बात नहीं कर रहे अभी हम तो उसकी हेल्थ का कोई लेना देना नहीं है वो डायबिटिक भी हो सकती है उसके आ, मतलब ऊपर-नीचे मैं कुछ नाम नहीं लेना चाह रही कोई भी लेकिन उसके ब्लड वर्क में बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं फिर सबा सबा को तो आपने देखा भाभी ने उसे क्या से क्या बना दिया था जब वो मोहदा से सॉरी uh, भोपाल से मुंबई आई थी तो वो कैसी थी यहाँ पे मैं फोटो लगा दूंगी उसकी और उसके बाद भाभी ने उसको दो तीन साल के अंदर कितना पतला कर दिया था और उसकी शक्ल में पूरा जैसा होता ना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन वो सब करवा दिया था वो अलग बात करेंगे किसी दिन कि क्या क्या करा होगा उसके लिए कि वहां पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वो जो बीच में दिखने लगी थी शादी से थोड़े दिन पहले तक तो उसमें कितने मेजर चेंजेस करवाए होंगे उसको ताकि वो वैसे से ऐसे दिखे शादी के एक डेढ़ साल डेढ़ साल ही हुआ है ऑलमोस्ट उसको उसने जो अपनी हालत बना ली है वो उसके खुद तो पीसीओडी तो बोलती है उसके अलावा भी उसको और भी कई चीजें हो सकती हैं है जो बारे, अपने बारे में बात नहीं करेगी रिजा के बारे में तो सारा सारी दुनिया को बता दिया इसने सोनोग्राफी भी हो रही है ब्लड वर्क भी आया है डायबिटीज ये विटामिन डी की इतनी ज्यादा डेफिशिएंसी है कि इंजेक्शन लगेंगे तो ये एक दो तीन चार पांच लोग तो गिना दिए हमने अब अम्मी है अम्मी अम्मी अपनी एज के हिसाब से सही है खाती पीती है घूमती फिरती है ठीक है अम्मी मतलब नानी अम्मी की बात करें तो फिजिकल हेल्थ के नाम पे वो क्या करती हैं कुछ भी नहीं वो सारे दिन सोफे पे बैठी रहती हैं या जमीन पे बैठी रहती हैं वो वॉक करती हैं कभी शाम को या दोपहर में दिन में कभी नहीं करती किसी को पढ़िए कि अम्मी मैं आपको वॉक कराने लेके जाऊंगा या जाऊंगी आपके लिए वॉक करना जरूरी है आपकी हेल्थ के लिए नहीं और रिजा का कोई वॉक शॉक यानी कि कोई जिम में डलवा दे उसके साथ एक ट्रेनर रखवा दे नहीं रेहान को तो चढ़ा रखा है रेहान को तो टेनिस भी खेलने जाता है डांस क्लासेस भी जाता है जिम भी जाता है उसको तो मतलब शाहरुख खान बनाना है इन्होंने और लड़कियों को बिल्कुल निगलेक्ट कर दो लड़कियों का क्या काम है घर में जाके पकौड़ा ही तो तलने इन्होंने सबा वो सबा के तो पास टाइम ही नहीं है भैया हम तो सारे दिन ब्लॉगिंग करते हैं हम रॉ ब्लॉगिंग करते हैं हमें पंद्रह मिनट के ब्लॉग में तो हम इतना थक जाते हैं कि हमें कुछ करने का टाइम ही नहीं है और उसको बोलेगा कौन वो सुनती किसकी है ठीक ये है फिजिकल हेल्थ की बात अब करते हैं मेंटल हेल्थ की बात पापा है जो ऊपर रहते हैं अकेले रहते हैं एक असिस्टेंट के साथ और एक फिजियोथेरापिस्ट जो आजकल दिखने लगी है वो बहुत जल्दी मैं बता रही हूँ उसको निकाल दिया जाएगा क्योंकि जिस तरीके से वो जनाब को देखती है ना मैंने दो तीन ब्लॉग्स में देखा है इफ्तारी करते वक्त इतने प्यार मोहब्बत से देखते हैं निहारती रहती है बस वो और दीपिका की नजर में आ जाएगा ना जिस दिन वो उसका पत्ता साफ हो जाने वाला है तो धर्म दादा के साथ पापा जी रहते हैं इब्राहिम अंकल उनसे कौन कितनी बात करता होगा एक जो असिस्टेंट टाइप है वो कितनी बात करेगा वो तो काम करेगा ना आपको ये पानी चाहिए आपको बाथरूम जाना है आपको टीवी चलाना है आपको फैन बंद करना है आपको चश्मा चाहिए अखबार चाहिए यही सब करता रहेगा इसके अलावा गप्पे थोड़ी मारेगा एक जो होता है पर्सनल टच वाली बातें थोड़ी करेगा नहीं करेगा तो शोएब के पास टाइम नहीं है सब तो सिर्फ ये पूछने जाती है अपने ब्लॉग देखा मेरा देखा मेरा ब्लॉग हाँ हम वहां गए थे देखा बस वो इसलिए जाती है दीपिका भी क्या बात करेगी कितनी बात करेगी तो उनसे बात करने वाला कोई नहीं है पूरे दिन बेचारे वो बेड पे लेटे लेटे टीवी देखते हैं अम्मी है अम्मी के मेंटल हेल्थ की तो इसने सबा ने बैंड बजा रखी है दो दो ढाई ढाई बजे तक उनके यहाँ पड़ी रहती है अभी भी रमजान अम्मी सोने जा रही है उनको, नहीं, आ जाओ, आ जाओ, देखेंगे क्या है ऐसे कैसे सोने जा रही हो और वो बिठा लेती है कभी केक बनाएगी कभी कुछ करेगी कभी कुछ करेगी अगर वो लेट भी जाए ना सोफे पे अरे ऐसा कैसे मनुसियत फैला रखी है वो सब शुरू हो जाएगा उसका इंटरफेरेंस इतना ज्यादा है 24 घंटे उनके घर में घुसी रहेगी उनको टोका-टोकी करती रहेगी तो मेंटली स्ट्रेस्ड होते हैं बंदे लोग होते हैं उन अम्मी की एज भी हो रही है 65 साल की तो होंगी 65 ऑलमोस्ट होंगी वो ज्यादा भी हो सकती हैं 65 एज डायबिटिक पेशेंट और हैवी वेट आई एम श्योर कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी हाई हो सकता है बीपी भी हाई हो सकता है तो उनको वैसा कोई ध्यान तो रख नहीं रहा कि आप बीमार हो आपका थोड़ा वॉक कराऊं आपको थोड़ा घुमा दूं ना घुमाएंगे तो कॉफी पिला लेंगे शेक पिला लेंगे कुछ भी उल्टा सीधा खिला लाएंगे और जबरदस्ती ड्रैग करते हैं उन्हें तो मेंटल हेल्थ का पूरा बैंड बजा हुआ है ना उन्हें टाइम पे सोने देते ना उठने देते अपने हिसाब से और अम्मी और पापा दूर है अलग अलग रहते हैं तो वैसे ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ एक होता है ना कंपनी होती है इतने सालों का साथ होता है वो आपस में बात करना चाहें बच्चों के बारे में बात करना चाहें अपने रिलेटिव्स के बारे में बात करना चाहें आपस में एक दूसरे की हेल्थ के बारे में बात करना चाहें कुछ सजेशन देना चाहें हजार टॉपिक्स होते हो सकते हैं उनके पास आपस में बात करने के लिए बट नहीं वो अलग रहते हैं दोनों तो मेंटल mental, मेंटली तो स्ट्रेस आउट रहेंगे ही ना वो लोग अब रिजा है रिजा देखो आजकल के टीनेजर्स ना बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं और वो कोई से गांव में नहीं रह रही है कि वहां पे निग्लेक्ट हो जाएगी कोई भी चीज कोई नहीं करता बॉम्बे जैसी जगह बहुत है लोग कि इन दैट एज ब्रैकेट दे आर एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट द लुक्स अबाउट कम्युनिकेट आई मीन फ्रेंड्स दे हैव एवरीथिंग तो रिजा के जो हालत है इस टाइम हेल्थ वाइज फिजिकल की बात कर रही हूँ उसमें इतने ज्यादा उसको झोलाछाप फ्रॉके बना देते हैं उसका कोई फ्रेंड नहीं है ना वो किसी के घर जाती है ना वो कोई उसके घर आता है ना कोई उससे बात करता है उसकी खुद की माँ को मैंने उससे बात करते हुए ज्यादा देखा नहीं है अम्मी क्या बात करेगी मतलब रेजा की खाला जो सबा की माँ है वो क्या बात करेगी और सबा तो उसे नौकरों की तरह ट्रीट करती है तभी तो खिसियाई हुई खिसी आई हुई करती रहती है स्कूल में भी फ्रेंड्स नहीं होंगे और टीचर से भी मुझे लगता नहीं वो ज्यादा बात करती होगी मुझे लगता है जस्ट एक एवरेज स्टूडेंट होगी टाइम पास चल रहा होगा हाँ पास हो गए बेटा पास हो गए उसी में खुश हो जाते हैं लोग होते हैं ना हमारी बच्ची पास हो गई टेंथ से इलेवंथ में आ गई इलेवन्थ से ट्वेल्थ में हो गई बारहवीं पास हो गई बस अब और आगे क्या करेंगे पढ़ा के तो वो ही है तो उसकी मेंटल हेल्थ भी मुझे लगता है मतलब बहुत खुश तो नहीं होगी वो और वो इतनी छोटी बच्ची भी नहीं है कि उसको पता ना चल रहा हो कि क्या हो रहा है घर में उसको अजीब सा ट्रीटमेंट मिलता है बाहर से उसको कोई इतने बड़े बच्चों को तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स भी होते हैं बाहर जाते हैं मूवीज देखने जाते हैं फ्रेंड्स के साथ और शॉपिंग वापिंग चले जाते हैं फ्रेंड्स के साथ बर्थडे शर्डे होते हैं ऐसे फोन वोन पे बातें करते रहते हैं बट मैंने इसको नहीं देखा है और सबा की मेंटल हेल्थ तो सबको आपको पता ही है वो तो उसके बारे में बात ही ना ही करे तो अच्छा है कि भैया वो तो अलग ही लेवल है अलग ही लेवल है तो उसको तो छोड़ ही दो उसने तो मेंटल टॉर्चर कर करके जो अपने पति का ही हाल कर रखा है अपने सास ससुर का अपने माँ का अपने रिजा रेहान का बेटी खाला का सभी का ही खराब कर रखा है तो उसकी तो क्या ही लेवल होगा तो उस बारे में बोलना भी नहीं चाहती और बेटी खाला जो है बेटी खाला के मेंटल हेल्थ भी मुझे लगता है कि भाई बेचारी डिप्रेस ही रहती होंगी हस्बैंड वहां रहता है यहाँ पे दोनों बच्चों को ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं उनके सामने अः उनको भी मतलब अच्छा हाँ ये बात ना मेरे एक सब्सक्राइबर ने आज ही लिखी है उन्होंने लिखा है ये सबा और सबा की माँ दोनों कितनी चालू है दोनों रमजान के महीने में बेटी खाला के सामने एक दूसरे के सूटों की तारीफें करती रहती हैं मम्मी कितना अच्छा सूट पहना अब फिर वो आएगी सभा मम्मी मेरा सूट कैसा लग रहा है अच्छा है ना अभी मैंने वहां से सिलवाया था लेस लगवाई थी ये लगवाया था और बेटी खाला के सामने बेटी खाला को ये देते उतरन उतरन मतलब समझ गए ना यूज्ड कपड़े कभी वो दीपिका के यूज्ड कपड़े आते हैं उसके पास उनके पास और कभी आते हैं सबा के यूज कपड़े आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स में देखा ही होगा मैं लगा दूंगी क्लिप्स वगैरह थोड़ा टाइम लगेगा बट लगा दूंगी तो उनके सामने जो उतरन पहन रही है जो किसी के इन दोनों के यूज कपड़े पहन रहे उनके सामने ये दोनों आपस में एक दूसरे की तारीफे करते रहते हैं अरे बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है और बच्चे बच्चे निग्लेक्ट हो रहे हैं हस्बैंड दूर है यहाँ पे नौकरों की तरह काम करती रहती है ना सोने का कोई ठिकाना है ना उठने का कोई ठिकाना है जब मर्जी ऑर्डर आएगा कि चाय बना दो मेरे लिए वो बैठी होंगी सारे काम करके भी तो चाय बना दो अभी सनी के लिए कर दो तो इत, हमें तो इतने से ब्लॉग में दिख जाता है और ये बहुत केयरफुल रहते हैं इस टाइप की चीजों के लिए क्योंकि पकड़े जाते हैं फिर और फिर इन्हें पसंद नहीं कि इनकी ऑडियंस इन पे उंगली उठाए तो ये थोड़ा केयरफुल हो जाते हैं एक दो बार पकड़े जाएगी ना ये तो अगली बार थोड़ा केयरफुल हो जाएगी वो पार्ट दिखाएगी नहीं लेकिन हम समझ सकते हैं हम इतने बेवकूफ नहीं हैं हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनको ट्रीट करते हैं ये लोग तो आप बताइए कि जैसे ज्यादा पैसा आ जाने से ही तो ये, इनका ये सब हाल हुआ है पहले तो घर में खाना बनाते थे वॉक वगैरह करते थे केयरफुल खाते थे एक हंसते गाता परिवार था मतलब ठीक से रह रहे थे सारे मिलते थे अब सब में नकलीपन बनावटी रिश्तों में दरारे कोई किसी को आ, से बात करने के लिए रेडी नहीं है कोई किसी को एक दूसरे के ब्लॉग में लेने के लिए रेडी नहीं है और सबका मेंटल हेल्थ बिगड़ चुकी है दीपिका दि, की तो बात ही क्या करे उसके लिए तो एक सेपरेट ब्लॉग हो जाएगा बेचारी ने जितना सेक्रीफाइस इस फैमिली के लिए किया है और वो तो मुझे मेंटली डिप्रेस लगने लगी है आज मैं उसका ब्लॉग देख रही थी और मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ मैं उसका देख रही थी मैंने मुझे पता चल गया था इसके ब्लॉग में कुछ भी नहीं है मैंने इसे स्क्रॉल करके कर देखा फिर मैंने कहा चल एक बार देख लेती हूँ और देख रही थी मैंने कुछ स्क्रीनशॉट शॉट और लेकिन जिस पॉइंट पे दीपिका रोई है ना आई फेल्ट सो बैड आई फेल्ट सो बैड मैंने डिसाइड कर लिया कि इस ये वाले पे मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी

मुझे कोई दुश्मनी नहीं है किसी से भी हम तो जस्ट रिव्यू कर तो तो करेंगे तो ऐसे ये फिल्म बना के जो पेश कर रहे हैं ना अपनी लाइफ की जो पब्लिक कर रखी है इन्होंने की हम रोज दिखाएंगे अपनी लाइफ तो हम तो रिव्यू करेंगे तुम्हें अपनी लाइफ को पब्लिक बनाना है तुम्हें अपनी लाइफ को बेचना है तो हम खरीदेंगे और हम उसपे अपना जजमेंट पास करेंगे दिस इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको मेरे ब्लॉग्स पे अपने कमेंट लिखने हैं दैट्स एब्सोल्युटली राइट दैट इज अगेन फ्रीडम ऑफ स्पीच आप लिखिए जो आपको लगता है आपको मेरे बारे में लिखना है कि आप क्यों जलती हैं आप क्यों वो ऐसा कहती हैं वो तो बहुत अच्छी आप है आप लिखिए आपका राइट है वो कोई अच्छा कहता है वो उसका राइट है तो आप ये सोचेंगे कि अगर सभा का ब्लॉग पे हम कुछ ना बोले तो वो नहीं होगा लेकिन दीपिका के मतलब शोहेब ने जो ब्लॉग लगाया था उस उसपे दीपिका जिस तरह से रोई थी आई फेल्ट सो बैड तो उस उसपे तो भी मैं नहीं बोलूंगी कुछ भी तो गाइज बोलना चाह रही थी इनकी जो ज्यादा पैसा आ गया है ना इनका तो इन्होंने अपनी हेल्थ खराब की है और अपने रिश्ते खराब किए तो जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाता है ना तो इंसान कहीं ना कहीं तो गलत रास्ते पे मतलब गलत तो हो ही जाता है जैसे अलविश यादव वो कहा से कहा निकल रहा है गलत ही पात पे और इन्होंने तो अपना ही बैंड बजा लिया इब्राहिम ने तो मतलब चलो रिश्तों में दरारे आई दैट्स अ सेपरेट थिंग तुमने अपनी हेल्थ का बैंड बजा दिया है सोचो हेल्थ सबसे कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ जब हेल्थ ही नहीं रहेगी तुम्हारी ठीक तो तुम क्या तो लाइफ एंजॉय कर लोगे क्या वेल्थ एंजॉय कर लोगे तो आप बताना कैसा लगा ये कंटेंट और हो सकता है मैंने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए हूँ मेन मेन तो मुझे याद आ गए थे बस यही थे कि इनका फिजिकल हेल्थ बिगड़ चुकी है सबकी और मेंटल हेल्थ सबकी बिगड़ चुकी है और शोहेब भी शोहेब की फिजिकल हेल्थ अच्छी है दिस अ गुड थिंग कि शोहेब अपनी शोहेब अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखता है मेंटल, Mental, मेंटली वो भी मुझे थोड़ा सा ढीला लग रहा है आजकल जब से झलक वलक खत्म हो रहा है आई डोंट नॉट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर लाइफ बट पाकि पापा मम्मी सब सनी तो फ्रस्ट्रेटेड ही रहता है सनी फ्रस्ट्रेटेड रहता है अभी नया नया पैसा मिला है नया नया उसको अयाशी मिली है तो उसमें खुश है जैसे होता है ना बच्चा है बच्चे को नए नए टॉयज दे दो नए नए कपड़े दे दो तो खुश हो जाता है तो वो भला हाल है सऊदी में आ, मेहनत मजदूरी करके आया था बंदा छोटी सी पगार में जी रहा था यहाँ पे आते एकदम लवेस्ट लाइफ मिल गया बड़ी कार बड़े फोन रोज बाहर खाना रोज घूमना कोई काम नहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ना ब्लॉग बनाना बस सभा के लिए दो चार तारीफें करना बेटो तुम बहुत प्यारे हो तुम बहुत अच्छे हो तुम सबका ये सब करती हो और बस घूमते फिरते रहना क्या सेक्रीफाइस करना है अच्छा माँ बाप को सेक्रीफाइस करना है वो तो कर दूंगा उसमें क्या है दोस्तों को सेक्रीफाइस करना है वो भी कर दूंगा उसमें क्या है और क्या करना है अच्छा अः अपना फ्रीडम सेक्रीफाइस करनी है वो भी कर दूंगा उसमें क्या है पैसे के लिए तो बिक जाते हैं इंसान तो वो बिक ही गया एक तरीके से तो चलिए गैस बताना कैसा लगा ये कंटेंट एंड uh, अपना ओपिनियन भी देना आई वुड मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ हमेशा पढ़ती हूँ और अपना कमेंट देना अब बताना ओपिनियन क्या है आपका इनके बारे में और आई विल डेफिनेटली रिस्पोंड टू योर कमेंट्स सो थैंक यू हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय